अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामना भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और शफा दे, जो लोग भी औलाद अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक को बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक को बेटा दे, अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह पाक सब बच्चे के नसीब बच्चे करे और सब बच्चों के मुकद्दर से करे, आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक माँ बाप फरमाया, बच्चों के साथ सलामत रखे, अपनी जुबान में रखे। मेरी प्यारी फैमिली के बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं। आल फैमिली के लिए लव यू, हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, खुश होते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार का मोहब्बत का। यहाँ पे जी मैंने अपना व्लॉग कर दिया स्टार्ट, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल को प्रेस, ताकि तमाम मेरी वीडियोज़ आपके पास आती रहे, हंसते और मुस्कुराते रहें। दुआ में याद रखें, अपना और प्यारे बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू मेरी आल फैमिली। तो यहाँ पर जी होगी जी रेडी, मेरा बैग भी रेडी है, वहाँ पर कामरा पिंकी डिंकी को बिस्किट आने वाले हैं और बैठा हुआ है सुबहान, और मैंने जाना है पार्टी मेकअप करने के लिए, तो जो भी एक्टिविटी होगी बराबर आपके साथ शेयर करेंगे। तो डाल दें बिस्किट इनको, तो अभी कामरा साहब बाइक निकालते हैं। टाइम है जी सुबह 6 बजे का, तो मैंने अपना व्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट किया क्योंकि मैंने जाना था पार्टी मेकअप के लिए, तो पार्टी मेकअप ज़्यादा है इसलिए उन्होंने सलून में नहीं आना, मुझे उनके घर जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे गमटाला चौक, चलते हैं, जो भी एक्टिविटी की प्रॉपर आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है और स्मोक भी है बाहर, बाहर की तरफ धुंध धुंध पड़ी हुई है ऊपर की तरफ, ये तो सोए नहीं है सारी रात जागते हुए, अभी सो जाना है। चले जी फ्रेंड्स उठे और आपको सुबह सुबह की सैर करवाते हैं बाइक में, तो सब सुबह सुबह सर्दी है। हाँ कहना मामा कुछ पहन लो, मामा सर्दी वाले कपड़े पहन लो, हैं सर्दी वाले कपड़े निकाले नहीं उन्हें सर्दी लग रही है, तो सुबह सुबह का टाइम पता सर्दी लग रही है ना, साढ़े छह घंटे सर्दी है बड़ी सर्दी लग रही थी, तो सर्दी लग रही ना, मुझे छोड़ के जा रही ना जब आप घर जाएंगे, वरना यही गा ले जाना घर आके ना भी लस्सी बनाएंगे। सुबह सुबह तो कुछ भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया मैंने कहा, सुबह सुबह दिल भी नहीं ना करता, तो मैं क्या कि आके करूँगी लस्सी, आप यही लेट करो जाते जाते तो जी फ्रेंड फाइनली मेरा काम शाम हो गया खत्म, पार्टी मेकअप कर लिया, बरात के साथ जाना था लड़कियों ने, तो उन्होंने बरात जानी थी लाहौर, तो वो बस पार्टी मेकअप शेकअप करके हो चुकी हूँ फ्री। अब मैं करूँगी कामरान साहब को हीरो को कॉल कि आगे मुझे ले जाए, तो फिर चलते हैं। ये देखे जी यहाँ पे दूल्हा तो चला गया, लेकिन ये आ गई है जी, फैमिली साहब आ चुके हैं लेने के लिए, अब हम घर की तरफ चलते हैं। बड़ी हुई थी और ये देख रही टाइम पे मैं हो चुकी हूँ फारक, बस हम निकल गए। आप क्या कर रहे थे? मैं मशीन लाई थी कपड़े सुखाने वाली, मशीन जी है ना खराब हो गई, खराब हो गई, मुझे लगता था 4000 रुपये का टूर कम करता है। ठीक है चलो ठीक, सही थी नहीं, सही नहीं चली नहीं, मैं चेक मैंने को बोला जा के ना मोटर का प्रॉब्लम है ना, मतलब मैंने के यार गली नहीं होती कपड़े मुझे कामरा साहब ने दही लाके रखा हुआ था और मुझे कह रहे थे नाश्ता करो,
मैंने कहा लस्सी बना दो, ये वाला नहीं है बंद, बंद दूसरे लेके आओ, तो फ्रिज के ऊपर देखो पड़े होंगे। तो कामरा साहब दही लेके आए हुए थे, मैंने बोला था दही ले आना, तो ये लिखे थे इतना बोल बड़ा हुआ था, मैंने थोड़ा काम किया और मशीन भी लगी हुई है वहाँ, कपड़े वाश हो रहे हैं साथ साथ में, साथ साथ में नाश्ता करने वाले। आ जाओ हीरा साहब, आ जाओ अपना भी दही लेके आ जाओ, थोड़ा तो नहीं मिले मेरा, नहीं नहीं बहुत बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा मेरा भी इतना डाला हुआ था, मैंने कम किया है, तो कहते इतना थोड़ा खाना है, मैंने कहा हाँ मैंने थोड़ा ही खाना है, इतना ज़्यादा दही खाएंगे तो लस्सी पी जाती है, दही नहीं खाया जाता, चीनी तो थोड़ी ज़्यादा ही पावा ना, ज़्यादा नहीं हो गया मेरा दही थोड़ा, इतना तंद दे देना, ना मैं कभी भी नहीं लेना, मैं आप कटिया पता, मैं इतना दही नहीं खाती है, मैं खाती हूँ वो खाती हूँ शक्कर वाला दही ज़्यादा खाती हूँ रमज़ान में, मैं रमज़ान में मैं वो खाती हूँ दही शक्कर वाला, चीनी वाला मुझे दही नहीं पसंद, अब मेरी मजबूरी है कि अब शक्कर नहीं है, शक्कर आ जाएगी, बहुत थोड़ा दही है वैसे, है कोई तीन फिर भी कितना पतला है, अज कम इन्ना करवाया तो दही फिर ज़्यादा ही खावे ना, दही खाओ खाओ, मैं रोज़ खाया कर दही, चाह ना दही चंगा, थोड़ा दिन ही कितने, नहीं नहीं बहुत थोड़ा माशाला माशाल्लाह बहुत सही है। आते आते मैं मगर लेके आई हूँ, तो रेहान को मगर पसंद है, तो यहाँ से बस फ्री हो गए ना, मैंने तो चेंज भी नहीं किए कपड़े, उसी में वो लोग, मैंने कहा मेरे कपड़े कौन से गंदे हैं साफ ही हैं, सिर्फ चेंज ही नहीं किए, मैं यही पहन के चली गई सुबह सुबह, मैंने कहा क्या चेंज करने हैं, आगे चेंज करूँगी, यार बंद करेगा बदल सुन पता तुम, ये देखें कितने सॉफ्ट है, खोलो बंद खाने ना, बंद बंद करके कितना सॉफ्ट है, मैंने बच्चे दही खाते ही नहीं है, यहाँ तो खाता रहा है, यहाँ भी छोड़ दिया, अब पहले खाता था अब छोड़ दिया, मैं राजा आजा आजा मैं हाँ राजा, ये अभी हमारा दही मन भी स्कूल लगा हुआ है, दही खाने से ताकत आती है, बच्चे मोटे हो जाते हैं, आप कितने कमज़ोर हो, देखो मैंने अजान को भी कहा है, अजान भी दही खा रहा है, यहाँ ना डेली दही खाया करो, दही खाने से ना बच्चे गोलमडोर रहते हैं, बच्चे वाइट होते हैं, देखो कितना वाइट है बच्चा, ये है साथ में बंद भी खाने हैं, ऐसा दही नहीं खाना साथ साथ बंद भी खाने हैं, हम जी नाश्ता कर लिया है, उस बंदे ने नाश्ता कर लिया, दही खा के चले गए, अब अपने काम शुरू कर लिए, मेरी जान है इतना बड़ी खराब है, अभी ज़रा क्लोज करना आज किलियाँ तो, हाँ पता नहीं की बया शॉपर शुपर जी, आओ खाओ चेक करो बड़ा सारा बंद है, नहीं बड़ा मजेदार है, वो जब काम लेके आया ना इसलिए, आहो बंदा बड़े काम कर रहा है, मोटा मोटा ध्यान ना कि दिला पीना जाए, लास्टिक दिन तक नाड़ा पाया करो, नाड़ा घुट गए, अभी किसी बच्चे ने खेची थी तो फिर मैडम मूली के परांठे बना दे मेरी जान जल्दी जल्दी, तो वधिया जे अदरक शदरक पा के हरी मिर्च पा के करारे शरारे तो मूली वाले परांठे, आ हा हा वाह जी वाह, तावड़े ने बड़े काम किए हैं, चूल्हा सही खराब हो गया था ना एक वाला, हाँ जी वो नया ही लवाया तो वो सही, मैं कहता अज तो खर्चे खर्चे है, इतवार का दिन आए तो यकीन करो खर्चे खर्चे, मूली के पराठे बना लगे चूल्हा देख के हजार दो हजार तीन
चार साल में चला पर महंगा है। हाँ जी महंगा है पर है क्या है उन्हें वधिया पाया पहले नालों। चलो कोई गल नहीं ठीक है जी। देखो बड़ी मम्मा अब हमारे मूली वाले परांठे बना ले लिए। हाँ दीदी मैंने कहा मूली का क्रिएट कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ये पहली दफा करने वाली हूँ। मैंने कहा मैं करती हूँ वो काम करती हूँ काम करी है ना कपड़े धोने वाली सुकाने वाली मशीन जी ना भाजी मंग लिया मल्यो खराब हो गई सी तां कपड़े वॉश कर रहा मैं जो ना खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा जी मैं काम आज कर लेती हूँ मैं जा ना ऐ मैं पहली दफा कर लगी हाँ नहीं आनी इतना जोर की देखो मूली से पानी इस तरह कामरे में जोड़ते हैं जोर जोर से जोड़ के मूली का पानी सारा निकाल दिया बड़ा जोर लगता है। ये निकाले ये भी निचोड़ने हैं धनिया और मूली के पत्ते जी मसाला है ये जीरा है कुटी हुई लाल मिर्च नमक अदरक और हरी मिर्च मैं जाना अभी पा दो सारा कुछ मिक्स कर दो ये मुझे दे दो सारा सारा काम सारा मिक्स करवा लेती हूँ। मिर्चों वाले हाथ होते हैं मेरे हाथों में मिर्ची लगेगी इसलिए कि काम में कैसे लगेगी मिक्स करके इसके अंदर ना वो सूखा धनिया जीरा वो भी डाल दो। मम्मी की कॉल आई है उससे पता चल गया मैं कुछ बना रही हूँ वो कह रहा है कि मैं भी खाऊंगा मूली वाले परांठे। मैडम आज खोल लो आज पाओ मिर्चा हरी मिर्चा ते धनिया हरी मिर्चा अदरक ये है जी हरी मिर्च और अदरक हरी मिर्च स्पाइसी है ये देखिए हरी मिर्च अदरक इसके जो बने हैं ना परांठे कमाल के बने हैं इसकी बड़ी खुशबू आ रही है ये सूखा धनिया और जीरा मैंने अभी ग्राइंड किया है बिल्कुल फ्रेश वाला है ना दी वजह नाल ही ते मूली ते परांठे दा जायका बनदा हाँ। अदरक हरी मिर्च सूखा धनिया जीरा फ्रेश वाले मसाले डालेंगे ना उसका टेस्ट भी आना जो आपने ग्राइंड करके रखे होते हैं ना वो ना डाला करें बिल्कुल फ्रेश मैंने कभी मसालों को फ्रीज भी नहीं किया ताज़े ताज़े मसाले का अपना टेस्ट होता है बिल्कुल फ्रेश वाले ये नमक लग गया इसके ऊपर ज़ीरा लग गया नमक ज़ीरा अदरक हरी मिर्च वगैरह प्रॉपर हर चीज़ और मैंने ना मूली के जो पत्ते हैं ना कूले कूले सारे पत्ते नहीं डाले जो सही थे ना छोटे छोटे पत्ते मैंने वो डाले सिर्फ पत्ते डाले मशीन का चक्कर खराब हो रहा हाँ काम करने रहते मशीन का चक्कर लगा रहे बस खत्म हो गया मिर्चा एक बुरा गया है ये बेडशीट आ रहा अच्छा अच्छा बस बेडशीट आई है कामरा ने मशीन का पानी भी चेंज किया जी तीन तीन चार चार दफ़ा पानी चेंज किया ताकि वो अच्छे वाले साफ सुथरे कपड़े धुले माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया इसको अच्छे से मिक्स करना है कामरा ने हीरो साहब शहजादे ने तो मैं ना परांठा बनाऊँगी सफाई करके परांठे बनाऊँगी शुरू कर दूँ नहीं नहीं सफाई करके परांठे बनाने ठीक है चलें जब तक ये हनी मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स अगर आपने मूली कंडे वाले परांठे बनाने हैं ना तो इसी तरीके से बनाने हैं फिर साथ में चाय बनानी है साथ में दही के साथ आपने खाने हैं चाय ना भी ना बनाओ दही के साथ बड़ा मज़ा आना मिल जाना ना दही ना नहीं खाना हाँ दही के साथ बड़ा मज़ा आएगा मुझे पता है दही लेके आए हैं आज और कामरान से ज़्यादा ही दही ले आए हैं वो बच्चों को भी खिलाया मैंने भी खाया सब ने खाया अभी भी पड़ा हुआ है उसके साथ परांठे खाएंगे ये रेहान ने कुछ नहीं खाया वो सोया हुआ था वो उसको ना सफाई होगी या मशीन वगैरह होगी उसको बड़ी एलर्जी है कहता कि मुझे पता ही ना चले काम सारे हो जाएँ इसलिए वो सोया हुआ है सही हो गया मिक्स है ना सजी फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने अपने काम शुरू कर दिया है और काम शाम खत्म हो गया साफ सुथरा हो गया अब मैं यहाँ पे ना बनाऊँगी परांठे पहले तो मैंने तवा बड़ा जबड़ा सा काम मैंने वॉश करके दिया मुझे इसलिए मैंने ना अपना काम शुरू कर दिया
क्योंकि मैं जो ना ये बना रही हूँ परांठे, अजान खाएगा देसी घी वाला, हम खाएंगे आयल वाले। फिर मैं भी आ गई हूँ परांठा खाने। हाँ मुझे कहा, मैंने बताया था फ्रेंड्स को ना, आत्मा ने भी आना है, मुन्नी ने भी आना है, वो कह रहे कि हमने भी खाना है परांठा। और मैं इस तरह बनाती हूँ, सबसे पहले तू ही खाया। ये देखिए जी हमारे जबरदस्त मजेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी यहाँ पे पराठे बनने शुरू हो जाने हैं। हाँ जी मैडम जी, शुरू हो गया काम जी? माशाल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह जी, मूली वाले पराठे बड़ा तो वाले आग दो मुझे, मेरा पराठा बाहर चल जाता है। बदल है कि बहुत कम अज मकाया, बड़ी सफाइया सफुइया इधर उधर, बच्चे आ गए उधरों, सब बच्चों ने खाने परांठे, मैंने बनाने हैं, इन्होंने खाने हैं। हाँ जी, चलो कोई गल नहीं, माशाल्लाह फिर बनाओ, साथ साथ बनाते हैं और साथ साथ एंजॉय करते हैं। तवा कैसा सेट होया है? जबरदस्त तवा, बड़ा तवा है ना, तवे जल्दी फिर पराठे भी चिट्टे चिट्टे बनने ने। हाँ जी बड़े अच्छे बनते हैं। लेकिन तविया भी होंगे ना वड्डिया वड्डिया है, मैंने सीखा ना गवा कर खुशबू भी अच्छी है और आदम पनीर जेड़ा ना वो भी बड़ा मजेदार बने दा, इसके मसाले बड़े बड़े पड़े हुए हैं। हां जी मैडम, टेस्ट करो आके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब आवे गरम बहुत है, बहुत गरम, बहुत गरम, वाह तो है, तो है, तो है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आपने खुद ही दो पीस करने हैं, फिर खाने हैं, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन आप खाएं पहले, मुझे भी नवाला बना देते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ ईसा हाँ जी चलो खाओ। जी फ्रेंड यहाँ पे खा रहे हैं बच्चे पराठे, मजा आया, थोड़ा आ गया आ गया आ गया, और ये देखिए जी हमारे मजे डाल के परांठे, ये देखिए कितना जबरदस्त परांठा है, और आज जी जिसने खाना है क्रिस्पी क्रिस्पी वाला परांठा जी। फिर यहाँ पे जी मजे डाल से हमारे परांठे बन रहे हैं, और इस तरीके से बन रहे हैं, मज़ेदार लग रहे हैं। आज भी राजे आप, आज आप भी हमारे साथ परांठे इंजॉय कर लें। जी लोग जिन्हें अभी और खाने बना रही हूँ मैं, जल्दी से गर्म गर्म खाओ, गर्म गर्म का मज़ा आता है, ठंडे का मज़ा नहीं आता। अभी हम बनाते हैं और भी इनके लिए गर्मा गर्म खाने का परांठे का भी मज़ा। बच्चे सो गए, चाय बना रही है, चाय पी गए, चाय बन गई है, मैं चाय लेके आई, दो मिनट में चाय रेडी है, चाय मेरी बन गई, मैं चाय लेके आती हूँ, फिर सोना है आप। ना ना एक मिनट अजीब तरह, यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है, और कामरान को बड़ी नींद आ रही है क्योंकि हम किचन साफ़ करने वाला था सारा, मैं क्या पहले सारा किचन साफ़ करूँगी तो फिर जाके ना ये बर्तन वॉश हो चुके हैं और खाना वगैरह खा लिया सब ने, और बच्चे चले गए हैं, छोटी किचन के मेरे सो गए हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह की उठी हुई मैं रजना, सुबह 4 बजे रात भी नहीं सही, लेट ही थी, एक घंटा क्या सोना होता है। तो माशाल्लाह से मशीन भी खुल चुकी है, ये मशीन बाहर रखी हुई है, किसी जिनकी लाई है उनको देंगे, और ना मेरे हीरो को ना बड़ी नींद आ रही है, कामरा को नींद आ रही है, वो फिर मैं कह रही थी कि चाय पी के ना उनको सिला, चाय ना ना पी रहे थे, सुकून नहीं होना था, मैंने कहा चाय पी के ना पिला के कामरा को भी, हीरो की चाय है शहजादे की, बड़ा काम किया है कामरा ने मशीन लगा के, और मैंने भी जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, बंदा थक जाता है,
थक भी गए हैं, बाकी नींद भी नहीं पूरी हुई तो थक भी गए हैं और बच्चे सो गए हैं। रिहान कह रहे हैं मुझे मम्मा आधा कप चाय का देना, तो मैंने कहा बन गई है, तो बन गई है रिहान की भी और सुभान की भी, उठेंगे तो पी लेंगे। तो आप पी लें, आप भी पी लें हमारे साथ बैठ के। मैंने वैसे इनकी कप में डाल देनी है, इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो वो पी लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी अपनी मेडिसिन खानी है। मेडिसिन खाने के बाद ना मुझे भी नींद आ जानी है, थोड़ी देर के लिए ना मैंने सो जाना है, सो जाऊंगी ना तो फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगी। तो बस ये मैं अंदर जाके चाय देती हूँ अपनी जनाब को और खुद भी पीती हूँ और रिहान को देती हूँ। तो आप जो मेरी एक्टिविटी है यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे नई अच्छी नई गुड मॉर्निंग के साथ, नई अच्छे व्लॉग के साथ। अगर आज की आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल के प्रेस, ताकि तमाम मेरी वीडियोस आपके पास आती रहें। हंसते और मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें, अपना और प्यारे बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू मेरी आल फैमिली, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।